जी, आप सभी कैसे हो? आज मेरी मम्मी पापा जी की थोड़ी सी ऑन रोड नोकझोंक हो गई और मैं मम्मी की साइड हूँ। मेरी मम्मी की बात बिल्कुल सही थी, पापा जी की बात आज गलत थी। अभी यहाँ पर मैं जोमेटो से ऑर्डर आ गया था, वो पापा जी ने खाना मंगवाया था, कहा था कि खाना मंगवाओ, मैं बाहर का खाना खाना है, मुझे घर का खाना खाना नहीं। देख लो पापा जी, 8 दिन, 8 से 9 दिन हो चुके यहाँ पे आए हैं जब से, और एक दिन भी पापा जी ने मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया, इवन घर का खाना भी नहीं खाया, ना मेरे हाथ का खाया। बोले बोलते कि मैं नहीं खाऊंगा घर का खाना, और मम्मी के हाथ का तो बिल्कुल भी नहीं, और तेरे हाथ का भी नहीं। मैं खाऊंगा तो सिर्फ बाहर का ही खाना खाऊंगा। तो मैंने ये खाना मंगवा दिया था जोमेटो से, मैं रोज़ मंगवा रही हूँ इस टाइम, और ये 160 रुपये का खाना आया है, 160 रुपीज़ का, मतलब 158, 160 ही लगा लो। तो इसमें एक तो ये लच्छा पराठा है, बाकी जो दो हैं ये प्याज के पराठे हैं, और आज जो खाना मैं, ये जो होटल है इसका नाम भी आप सबको बता देती हूँ, मैं किंग ऑफ टेस्ट नाम से होटल है, वहाँ से मंगवाती हूँ हिसार से खाना, क्योंकि ये लोग ना खाना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में भिजवाते हैं, मीन्स वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। अब 160 रुपये में आपको मैं खाना दिखाती हूँ इनका, कितना बढ़िया है, और खाना भी ताज़ा होता है, अच्छा लगता है खाना, टेस्टी भी है, स्वादिष्ट भी है। ये छोले देखो आप, 100, वो भी घर देकर जा रहे हैं, होम डिलीवरी मिला के है, क्योंकि ये ना कूपन दे देते हैं 110 रुपये का, 120 रुपये का, टेस्टी नाम से कूपन होता है, वो लग जाता है अगर आप 300 से ऊपर का खरीदते हो, और 300 में 120 माइनस हो जाते हैं फिर, है ना, और 300 रुपये का खरीदते हो तो ये फ्री में चाउमीन भी देते हैं। तो ये छोले देखो कितनी अच्छे से, प्लेट की कितनी कटोरी है, मेरे ख्याल से 2 ढाई कटोरी है अच्छे से, कोई 3 बंदे आराम से पेट भर के खाना खा सकते हैं। इसमें देखो दही देखो कितनी है, आजकल ये तो कम से कम इन्होंने पाइया तो दही दे रखी है इतनी बढ़िया तरीके से। तो ये यहाँ पे मैं पहले पापा जी की प्लेट तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना ये शाही पनीर, दाल मखनी ये सब नहीं मिलता, सुबह मिलते हैं पराठे, 12 बजे तक इनका खाने में पराठे ही चलते हैं, अलग अलग तरीके के पराठे होते हैं इनके पास, गोभी के, पनीर के, प्याज के, आलू के, आलू प्याज के, वैसे भी प्लेन पराठे होते हैं, लच्छा पराठा होता है, अलग अलग तरीके के स्टफिंग वाले, तो पराठे भी इनके बहुत बड़े बड़े हैवी होते हैं, एक ही पराठे में अच्छे से पेट भर जाए। अगर मैं अकेली रहती ना तब तो मैं कभी खाना ना बनाऊं, जोमेटो से एक टाइम खाना मंगवाऊं वो मेरा 3 टाइम चल जाए, तो सही है ना, 160 रुपये में आपका तीनों टाइम का खाना आ रहा है, और दही भी कितनी बढ़िया भर के दे रखी है। पापा जी की प्लेट में मैंने दही नहीं ऐड करी, क्योंकि पापा जी दही नहीं खाते हैं मुझे पता है, और सब्जी भी मैंने थोड़ी कम करी थी, लेकिन फिर भी इसमें से भी छोड़ दी, पापा जी कम खाते हैं, जैसे हम लोग जितना सब्जी खा लेते हैं ना बहुत कम लगा लगा के खाते हैं, और ये पराठा भी पापा जी ने बस आधा ही खाया था, चलो लेकिन खा लिया। तो अब मैंने अपनी प्लेट तैयार करी है, मैंने अपने लिए भी प्याज का एक पराठा ले लिया है, मम्मी ने एक पराठा विहान के लिए रखवा दिया, बोलते वो लच्छा पराठा रख दे, अगर तुझे एक और पराठा लेना हो तो घर में बना हुआ पराठा रखा है वो ले लियो, या रोटी ले लियो, बाबू खा लेगा। मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो ये छोले हैं बहुत ही टेस्टी हैं, और दही देखो ना कितनी सारी दे रखी है, और दही भी ऐसे नहीं है कि पतली पतली सी दे रखी हो, जैसे कई जगह तो पानी वाली रायता सा दे देते हैं, गाढ़ी दही है एकदम। तो इनका ना मतलब खाना ना अच्छा है, क्वांटिटी बहुत दे देते हैं, ये पेट भर जाए इन बंदे का, तो इसीलिए मैं यहीं से ही खाना मंगवाती हूँ हमेशा। तो यहाँ मैंने खाना वाना खाया था, फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग करी थी, वीडियो मेरी चला गया था सुबह वाला, फिर विहान को लेने का टाइम आ गया था। एक्चुअली जो ड्राइवर वाले भैया है ना वो मुझे फ़ोन कर देते हैं जब बहुत नज़दीक में पहुँचने वाले होते हैं, तो मैं यहाँ पर नज़दीक में ही लेने चली जाती हूँ। तो ये देखो विहान गाड़ी में आता है, और गाड़ी में ना विहान के एक टीचर होते हैं साथ में, मैम, जो विहान का अच्छे से टेक केयर करते हैं, और आज विहान ने सूसू कर दिया था स्कूल में। एक्चुअली एक एक्स्ट्रा पैंट मैं विहान को बैग में रख के ही भेजती हूँ, स्कूल वालों ने कहा हुआ है कि अगर बच्चा, कई बार ऐसा होता है ना कि बाथरूम बाथरूम कर दे स्कूल में, इसीलिए ये देखो पैंट और पोटी तो विहान का अब रूटीन बन चुका है, वो सुबह ही करता है, तो सुबह करता है या रात को करता है, स्कूल में नहीं करता। तो डायपर भी मैं अब विहान को नहीं पहना के भेजती, खरीदा था पैकेट डायपर का, वो ऐसा ही पड़ा है अब कभी, लेकिन कभी हॉस्पिटल वगैरह जाना हो या कहीं बाहर घूमने जाना हो फिर भी बच्चे को डायपर पहना दो ठीक रहता है, क्योंकि थोड़ा सा वो होता है ना किसी के सामने भी कहीं बाथरूम वगैरह कर दे। दूंगी चाबी, ये नहीं है बेटा चाबी, ये वाली है, ये ले, ये रही, ये ले, मैंने दे दिया अपने को, ये ले, ये वाली ले ले, नानी की रख ले, साइड में रख ले, ऐसे तेरी मम्मी ने बनाई रखी, और पी ले। ये
लच्छा परांठा विहान ने नहीं खाया था, बहुत टेस्टी, आधा फिर मैंने खा लिया था, बाद में थोड़ा सा पापा जी ने खा लिया था। एक्चुअली विहान को टिफ़िन देते हैं ना, तो टिफ़िन विहान ने फिनिश कर देता है, या तो परांठा देती हूँ, कई बार आधा परांठा खा लेता है, कई बार पूरा भी फिनिश कर देता है। तो मैं विहान को सॉस देती हूँ ना टिफ़िन में, तो यहाँ पर इसने परांठा नहीं खाया क्योंकि अभी खाया होगा, लंच करके आया था स्कूल में, तो थोड़ा सा जूस बनाया था बाबू के लिए, और ये जूस भी बाबू ने थोड़ा सा पिया, बिल्कुल ही चार घूट पिया, फिर छोड़ दिया। बाकी ऑरेंज का था ये जूस, मैंने ख़त्म किया फिर, और यहाँ पे ही गड़बड़ शुरू हुई थी। देखिए ये आए थे ना ये सिलेंडर वाले भैया, तो मैटर मैं आपको बताती हूँ पूरा क्या था। उससे पहले देखिए पापा जी मम्मी के लिए लेकर आए थे, बाद में मनाने के लिए, ये तब का टाइम है जब ना बात बात हो चुकी थी, नोक झोंक हो गई थी मम्मी पापा जी की, फिर पापा जी मम्मी को मनाने के लिए ये फलूदे वाली आइसक्रीम लेकर आए थे, जो कि फिर मम्मी को बोलते मेरे को, उनको नहीं दी, मेरे को हाथ में पकड़ा दी, कहा ले जा अपनी मम्मी को दे दियो मेरे को। मैंने भी फिर विहान को, विहान ने थोड़ी भी नहीं खाई, विहान ये वाली आइसक्रीम खाता ही नहीं है इसमें, क्योंकि ना ये छोटी छोटी सी चेरी होती है और ये बाबू थूक देता है, चेरी पसंद नहीं करता। बात ये थी कि ना जो सिलेंडर के ना 1230 रुपए देने थे, तो मैंने मम्मी को 1200 रुपए दे दिए, मैंने कहा 30 रुपए खुले नहीं है मम्मी मेरे पास, आप दे देना। तो मम्मी पापा जी से मांगने गई, मैं मम्मी ने कहा कि आप दे दो 30 रुपये, तो पापा जी ने क्या किया, निकाला 500 का नोट, और मतलब 100-100 के ऐसे कुछ रुपए निकाले और सिलेंडर वाले भैया को दे दिए, और कहा कि ये सारे ही ले जा तू, मतलब 1230 रुपये देने थे और पापा जी 1500 रुपये, मतलब एक तरीके से क्योंकि 1000 मेरे पास थे, 500 पापा जी ने दे रहे, कह रहे तू सारे ले जा, सारे ले जा। मम्मी को आया गुस्सा, मैंने मम्मी बोलते क्या पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, कि किसी को भी आप उठा के किसी को भी दे दो, मतलब क्या क्या है, है ना, सोचना चाहिए ना थोड़ा सा। क्योंकि देखो कल पापा जी के पास, मैं आपको पूरी बात अभी बताती हूँ वीडियो में क्या बात है। आज पापा जी बाइक चला के देख रहे हैं, चलेंगे अंदर, अंदर क्यों चलूं? बाइक करनी है। अच्छा बाइक करनी है, आप गेमरों कह रहे हैं कि बाइक लेके जानी है, यहाँ से अंदर आ जाओ आप, तू ले आ गई बस, नहीं चलती बाइक, बाइक नहीं चलती बाइक, बाइक नहीं, क्यों जाऊं अंदर, इधर बाइक आई है, बाइक कह रहे इधर से बाइक आएगी अंदर, यहाँ से रस्ते से बाहर जाएगी, तू हट जा, देख ना मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा, नहीं आना मुझे अंदर, आओ अंदर, नहीं आना, आओ अंदर, नहीं आना बेटा, आओ अंदर, अंदर, ओए गिर गई, अंदर आ, अंदर, अंदर आ तेरा, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ जो अंदर, ये सही है जगह विहान के लिए, तो आगे ना यहाँ के खड़ा हो जाता है। मम्मी ने मेरा आईलाइनर पूरा का पूरा नेल पेंट की तरह यूज कर लिया, देखना कि पता नहीं था मम्मी, पता क्या, देखना पता ये वाला था लैक्मे का इंस्टा लाइनर, पता नहीं था, अब ये और जिद कर रहा है इसने, और मम्मी की देखा देखी दिखाइयो अपने हाथ, इसने और खराब कर लिए विहान ने, अब कह रहा है ये ब्लैक वाला भी खोलो, ये भी लगाऊंगा इनको, ये लग रहा है नेल पॉलिश है, नानी ने खोल दिया, इसने भी खोल लिया, अब मेरे पीछे पड़ गया है, मैं भी, ओ खुल गया, क्या ये, ये हाँ डाल दिया, फिर बंद कर दी, ओ डाल डाल दिया, ओ तेरी दूर 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 जाएगी, मैं पहले ही कहा था मम्मी कांच की है मेरी, आप भी सिखा रहे हो मम्मी उल्टी सीधी चीजें इसको, इसको पता भी नहीं था ये क्या चीज है, ना तेरे को नेल पेंट ही दे दूंगी इसकी जगह, आ देती हूँ रुक जा, दे रही हूँ दे रही हूँ दे रही हूँ, आ जा ये ले जा, ठीक है ये है नाखून पे लगा लियो, ये नेल पॉलिश है, ये नहीं, ये
चाहिए, ये वाली खोल के देती हूँ। तो इस सिलेंडर के ऊपर क्या बात हुई थी अभी जब वो ट्रक वाले भैया आए थे, मतलब जो ट्रक में लेकर आए थे ना ये सिलेंडर, तो बात सुनिएगा पूरी। आपने मेरी आज से एक हफ्ते पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने मेरे पापा जी को 1000 रुपए दिए थे, कहा था पापा जी बोलते मैं सिलेंडर भरवा दूंगा तेरी माँ का, पैसे 1000 रुपए दे दे। मैंने 1000 रुपए दे दिए थे, उसके बाद 2-4 दिन मैंने देखा पापा जी लेकर ही नहीं आए ये सिलेंडर, तो मैंने पापा जी से पैसे वापिस मांग लिए थे। मैंने कहा पापा जी आप दे दो 1000 रुपए, मैं खुद ही बुकिंग करवा लूंगी फोन करके, मेरे पास मेरा भी है ये जो इंडेन का है ना सिलेंडर, वो मेरा भी बुकिंग हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे आप आगे बात सुनिएगा क्या हुई। तो कल पापा जी के पास 3000 रुपए थे। अब पापा जी तो देखो ना रोज बाहर का खाना मंगवा रहे हैं, तो उसमें लगते हैं, पापा जी कह देते हैं मैं पे कर दूंगा तू बाहर से मंगवा दे, तो वो पैसे हो गए खत्म 3000 रुपए करीबन। आपको पता है बाहर से ही आ रहा है करीबन करीबन काफी टाइम से खाना, 3000 तो नहीं लगे होंगे बट थोड़े और इधर उधर के खर्चे हो जाते हैं, आपको पता ही है पापा जी जाते हैं स्कूटी पे, मे भी पेट्रोल पेट्रोल कुछ ना कुछ हो गया होगा। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास थे 400-500 रुपए। तो पापा जी बोलते कि एटीएम ले जानी थी तू मेरा, और मेरे को ना 20000 रुपए निकलवा के मेरे को पकड़ा दे, मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरी जेब खाली हो, मुझे अजीब सा लगता है फील होता है। तो मैं गर्मी में कहां जाती आप ही बताइए ना, इतनी गर्मी में। मैंने कहा पापा जी मेरे से नहीं जाया जाएगा स्पेशल, मैं शाम को चली जाऊंगी, तो ये मैंने बोला। तो मैंने पापा जी को फिर ना उस टाइम 1500 रुपए दे दिए, क्योंकि मेरे पास पड़े थे, मेरे पास करीबन करीबन 5000 रुपए के करीब मैंने संभाल के रख रखे थे कि घर खर्च में पूरा महीना भी चलाना है मुझे ये, है ना, कहीं अभी बिजली का बिल भी देना है, सारे खर्चे पड़े हैं। तो मैंने उसमें से दे दिए 1500 रुपए पापा जी को। मैंने कहा आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जेब में पैसे नहीं, आप रख लो, जब आप एटीएम से पैसे निकलवाओ तब आप मेरे वापस कर देना, ये बात थी, ठीक है। उसके बाद आज जब सिलेंडर वाला आया तब मैंने 1000 रुपए मम्मी को दे दिए। मैंने कहा मम्मी आप सिलेंडर का और नहीं सॉरी 1200 मैंने दे दिए मम्मी को, मेरे पास थे बाकी 30 रुपए कम पड़ रहे थे, 1230 रुपए इतना बोला था उसने, उन्होंने भैया ने। तो पापा जी के पास क्या थे कि देखो जो 1500 रुपए थे उसमें से भी कल रात को खाना मंगवाया वो थोड़ा बहुत कम हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ना मम्मी को गुस्सा इस बात पे आया कि कल परसों जब एक भैया आए थे ना ई रिक्शा वाले भैया, उनको पापा जी ने 200-300 रुपए ऐसे ही दे दिए, मतलब 50 रुपए का भी खर्चा नहीं था, पापा जी को बस लेके आया था और 200-300 रुपए ऐसे ही दे दिए, कहा तू ले जा, मतलब ऐसे ही मम्मी को चिढ़ाने के लिए पापा जी कर रहे कि पापा जी देखते ना मम्मी देख रही है और मम्मी को गुस्सा आता है, तो ले जा पैसे ले जा, मतलब ऐसे बांट रहे। अब जो ये भैया आए, अब मम्मी ने 30 रुपए मांगे पापा जी से, वहीं खड़े थे पापा जी, कहा कि 30 रुपए दे दे मेरे को ना सिलेंडर के पैसे देने हैं, 1200 मेरे पास है 30 दे दे खुले मेरे को। तो पापा जी के पास 50 का नोट था, मम्मी कह रही कि 50 का दे दे मैं, मतलब दे दूंगी है ना। तो पापा जी ने क्या किया, उनके पास और भी पैसे थे जेब में, उन्होंने निकाले जेब में, उसको कह दिया तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, ये रख ले तू, ये भी और पैसे ले 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 ले। मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी ने कहा क्या मतलब बनता है बेटी के पैसे ऐसे मतलब बहा रहे हो, किसी को भी दिए जा रहे हो पैसे, भी अनजान ना पहचान किसी भी बंदे को उठा के दे रहे हो कि 200 तू ले जा 150 तू ले जा, है ना, क्या मतलब बनता है। नीति आ तो फिर मम्मी मेरे पे गुस्सा हो रही है कि तूने पैसे क्यों दिए पापा जी को। मैंने कहा मम्मी बहन तो इसलिए, मेरे को थोड़ी पता था कि पापा जी ऐसे किसी के भी हाथ में ऐसे रख रहे, और पापा जी कर रहे हैं अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने एक बात बहुत नोटिस की, पापा जी कह रहे हैं कि मेरे 3000 रुपए कहां गए। मैं कहा मुझे हमें क्या पता कहाँ गए, हमने तो लिए नहीं है। अब पापा जी का क्या रहता है ना, पापा जी ऐसे किसी भी अनजान बंदे के हाथ में पैसे दे देते हैं, किसी को भी पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पे पापा मम्मी मेरे पे गुस्सा हो रहे, बोलते पूरा घर ही महीना चलाना है, तूने पैसे क्यों दिए पापा जी को। मैंने कहा मैंने कौन सा रखने के लिए दिए हैं, पापा जी मेरे दे देंगे वापिस अभी एटीएम से निकाल के, अगर मतलब जब चक्कर लगेगा। तो पापा जी आज मेरे सुबह से पीछे पड़ रहे हैं, बोलते एटीएम चली जा पैसे निकलवा ले पैसे निकलवा ले। मैं उसे हो रहा है कि यार गर्मी में परेशान हो जाता है बंदा जाना, अभी मैं सोच रही हूँ शाम तक जाऊं, मैंने यही बोला मैं शाम को निकलवा के आपको दे दूंगी पैसे। फिर मम्मी मेरे पे गुस्सा करते हैं, बोलते तू पैसे निकलवा के मत दे पापा को, फिर वो खर्च देते हैं सारे पैसे, वो ऐसे खुला हाथ है, अभी थोड़े जो भी चीज मंगवा रहे हैं खाने पीने की मान लो वो बाहर से मंगवा भी रहे हैं, तो तू देती रहे पैसे, बाद में एटीएम से जब ये जाएंगे ना उस टाइम ले लियो तू पैसे, लेकिन अभी इनको इकट्ठे 20000 पैसे बिल्कुल मत दे। यहाँ पे बात आ रही है, बताओ मैं बीच में फंस गई हूँ, मैं पापा की सुनूं या मम्मी की सुनूं, दोनों में मैं तो बीच में फंस गई ना। अब मैं मना करे जा रही हूँ टाले जा रही हूँ, तो पापा जी गुस्सा आता है मेरे पे कि हाँ ये मेरी बात नहीं सुन रही, पैसे नहीं लेके आ रही एटीएम से, और अगर मम्मी लेके आऊंगी तो मेरी मम्मी मेरे पे गुस्सा करेंगी तूने पैसे लाके क्यों दे दिए पापा को। और पापा क्या कर रहे हैं, कोई भी अनजान बंदा आता है किसी के भी हाथ में रखे जा रहे हैं पैसे, किसी को 50 किसी को 100 किसी को 200 ऐसे बांट रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी पापा जी मैं क्या बोलूं, बस वही है ना, थोड़ा सा टेंशन में है इस टाइम, स्ट्रेस में, समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं, है ना।
बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। और फिर पापा ये इस बात पे मम्मी गुस्सा हो गए। फिर बाद में मम्मी को ही मनाने के लिए पापा जी आइसक्रीम ले आए, फलूदा आइसक्रीम। मम्मी ने अभी तक खाई नहीं है, वैसे फ्रिज में ही रखी है, बट खा लेंगे। बट क्या करें, मुझे मानना पड़े, आज तो लानी पड़ेगी। दो दिन से डाल रही हूँ मैं, लाके पैसे दे दूंगी मैं मेरे फादर को। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं बाद में। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।